बड़ी माँ और छोटी माँ। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। अभी तक जितना पढ़ा उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से सुनो, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूँ। दुनिया में दो तरह के कर्व होते हैं, जनरली होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है उसमें सबसे पहला है बच्चों कनकेव अपवर्ड कर्व। कनकेव अपवर्ड कर्व ध्यान से सुनो क्या होता है ये। कनकेव मिरर तो सबने देखा ही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। दिस इज़ कनकेव अपवर्ड कर्व। इसको मैथमेटिकली कैसे समझते हैं कनकेव अपवर्ड कर्व को, ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी कर्व है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सपोजिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो कैसे पता लगेगा कि ये कनकेव अपवर्ड है? अगर इसका ग्राफ हमको नहीं दिखाई दे तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कनकेव अपवर्ड कर्व है? तो क्या होता है बच्चों कहानी में, एक्स का वैल्यू देखो इंक्रीज कर रहा है इधर। अब हम आते हैं dy by dx के पास, ध्यान से सुनना। dy by dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे मान लो इस पॉइंट पे हूँ मैं, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कोई x का वैल्यू है और इस पॉइंट पे मैंने कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और टेंजेंट का कुछ स्लोप आया होगा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, जो एंगल बनाता है थीटा, उसका tan, tan थीटा इज स्लोप, यानी कि dy by dx। अब मैंने क्या किया, x का वैल्यू बढ़ाया, मान लो इस पॉइंट पे आ गया और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे जाके जब मैंने इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमने देखा कि ये है इसका एंगल थीटा। तो क्या हो रहा है कहानी में, ध्यान से सुनो। dy by dx का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सबसे पहले ये बताओ। इस पॉइंट पे dy by dx का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा है। कोई पूछे क्यों, तो थीटा 90 से ज्यादा है और टेन निगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा निगेटिव होता है बच्चों। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि dy by dx का वैल्यू, dy by dx दैट विल बी लेस देन 0। इस पॉइंट पे आके देखो तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, थीटा 0 हो गया बच्चों, यानी कि इस वाले पॉइंट पे dy by dx का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और अगर इस पॉइंट पे आके देखो, इस पॉइंट पे तो थीटा का वैल्यू देखो 90 से कम हो गया, ये वाला जो थीटा दिख रहा है, दिस थीटा इज लेस देन 90, तो टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि dy by dx का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा इस वाले पॉइंट के लिए। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, dy by dx का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, dy by dx का भी वैल्यू बढ़ रहा है, निगेटिव 0 पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एज x इज इंक्रीजिंग dy by dx इज इंक्रीजिंग। याद करो पुराना कहानी, अगर x इंक्रीज करने से fx इंक्रीज करता था तो क्या हम बोलते थे इंक्रीजिंग फंक्शन, और f डैश x ग्रेटर देन 0 होता था। तो यहां पे x इंक्रीज करने से dy by dx इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dy by dx इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका डबल डेरिवेटिव कौन, d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर यूं बोलो कि f डबल डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। किसके लिए, फॉर कनकेव अपवर्ड। और याद करो तुमने फिजिक्स में कहीं कहीं यूज भी किया होगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा होगा, सुना है क्या कहीं पे? ये देखो मिनिमा दिख रहा है, यानी कि जब dy by dx का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यानी कि dy by dx जो था वो इंक्रीज कर रहा था, मतलब d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, तो वो पॉइंट जहां पे dy by dx 0 हुआ था वहां पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और साफ साफ दिख रहा है यहां पे फंक्शन का मिनिमा है, सबसे छोटा वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ग्राफ देख के भी बता सकते हो, कोई पूछे कि कैसे पता लगा ये कनकेव अपवर्ड है, तो भैया इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ग्राफ जो होगा फंक्शन का वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर ही होगा। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ग्राफ टेंजेंट के ऊपर, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो तो ग्राफ टेंजेंट के ऊपर, यानी कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो फंक्शन का ग्राफ हमेशा टेंजेंट के ऊपर होगा। तो जब लेफ्ट से राइट यानी कि एक्स का वैल्यू इंक्रीज करे तो dy by dx का वैल्यू भी इंक्रीज करे, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव।
तो फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड, और वो पॉइंट जहां पे डीवाई बाई डीएक्स जीरो मिलेगा निगेटिव से पॉजिटिव होने के दौरान, उस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा होगा। क्या मेरी बात क्लियर? अरे बात क्लियर? लिखो पहले दो लाइन लिखो, कनकेव अपवर्ड कर्व में लिखो। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कनकेव अपवर्ड कर्व, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कनकेव अपवर्ड कर्व, फंक्शन इज सेड टू बी अ कनकेव अपवर्ड इफ इफ the curve, if the curve always lies above the tangent drawn at any of its point, if the curve always lies above the tangent drawn at any of its point, curve lies always above the tangent drawn at any of its point। और बाकी जो दूसरा डेफिनेशन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको लिख लो आप एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है। तो आज के बाद याद रहे, कनकेव अपवर्ड कर्व के लिए डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं यहां जहां पे dy by dx जीरो हुआ था फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम मिनिमा पे आ रहा हूं, अभी मैं मैक्सिमम मिनिमा नहीं बता रहा हूं, अभी आपको मैं सिर्फ कनकेव अपवर्ड ही बता रहा हूं, लेकिन सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएगा कि डीवाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पे क्यों मिनिमा होता है, क्योंकि कनकेव अपवर्ड कर्व बनता है और उसका मिनिमम पॉइंट वही मिलता है जहां डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है। नेक्स्ट लिखो कनकेव, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड कर्व, कर्व को उल्टा कर दो और पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। ये इस कर्व में अगर देखो, अगर इस वाले पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट x1 है, यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो ये टेंजेंट का थीटा जो होगा वो 90 से कम आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे dy by dx बच्चों पॉजिटिव आएगा। कोई एक पॉइंट बीच में उठाओ सपोज x2, और यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करके देखूं तो ऐसा लगता है जैसे dy by dx जीरो आ जाएगा। थोड़ा और x का वैल्यू बढ़ाऊं सपोज x3, तो इस पॉइंट पे जो ये जो टेंजेंट है वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा वो 90 से ज्यादा हो जाएगा, और यहां पे dy by dx का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है dy by dx इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, dy by dx इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीज कर रहा है मतलब dy by dx डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू बच्चों लेस देन जीरो। अगर fx डिक्रीज करता था तो f'x लेस देन जीरो होता था। तो सिमिलर मैनर में अगर dy by dx डिक्रीज कर रहा है तो डबल डेरिवेटिव विल बी लेस देन जीरो, दैट मींस डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज लेस देन जीरो फॉर अ कनकेव डाउनवर्ड कर्व। और इसीलिए तुमने पढ़ा होगा कि जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा है फंक्शन का, बोलते हैं ना, ये है मैक्सिमा। यानी कि जब dy by dx डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है मतलब जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है तो वो पॉइंट जहां dy by dx जीरो बना, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन।
और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लिख लो पहले, एक लाइन लिख लो इसमें भी। इसमें देखो हमेशा टेंजेंट के नीचे होता है कर्व, हमेशा लिखो। अ फंक्शन इज सेट टू बी कनकेव डाउनवर्ड, अ फंक्शन इज सेट टू बी अ कनकेव डाउनवर्ड इफ इफ इट ऑलवेज लाइज बिलो, इफ इट ऑलवेज लाइज बिलो द टेंजेंट, इफ इट ऑलवेज लाइज बिलो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट, इफ इट ऑलवेज लाइज बिलो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट। बाकी बोर्ड पे है, लिखो। हो गया। तो कनकेव अपवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, कनकेव डाउनवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो याद रखना मिनिमा मिलता है, क्योंकि कनकेव अपवर्ड है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देता है, मिनिमा दिखाई नहीं देता है। चलो जी, एक दो और छोटी छोटी बातें हैं, लिख लेते हैं। एक होता है बच्चों स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट क्या है? जैसे कोई भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालो, यानी कि f डैश x, इसको पुट कर दो जीरो, और इसको जीरो करने के बाद जो x का वैल्यू निकल के आए, सपोज अल्फा बीटा जो भी निकल के आए, इन सारे पॉइंट्स को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, जहां पे फंक्शन के ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है, तो उन सारे x के वैल्यूज को हम स्टेशनरी पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। लिख लो एक लाइन, द पॉइंट्स फॉर विच dy बाई dx और f डैश x इज जीरो, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे लिखो, द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच dy बाई dx और f डैश x इज जीरो आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ फंक्शन fx। सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच dy by dx or f dash x is zero, set of points for which dy by dx or f dash x is zero are known as stationary points for the function fx, are known as stationary points for the function fx, are known as stationary points for the function fx। लिख लिया। एक और चीज है क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको लिख लो पहले। बहुत सिंपल सी बात है, कहीं स्टेशनरी पॉइंट्स का जिक्र आए मतलब वहां पे एफ डैश एक्स जीरो है। क्रिटिकल पॉइंट्स में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स तो आते ही हैं, साथ में वो पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां पे dy/dx एग्जिस्ट नहीं करता है, उनमें
यानी कि इन वाले पॉइंट्स में वो पॉइंट्स ले लो जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यही पॉइंट्स बन जाते हैं अगर उनको इंक्लूड कर देते हैं तो दे आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। और क्रिटिकल पॉइंट्स ही वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये सारे पॉइंट्स तो होते ही हैं, इनमें वो पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है जहां पे एफडेस एक्स डिफाइंड नहीं होता है या फिर एफडेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में लिखो एक लाइन, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच आइदर एफ डैस एक्स इज जीरो और एफ डैस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डीवाई बाई डीएक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो भी पॉइंट्स आएंगे इसमें। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच आइदर एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो और एफ डैस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच आइदर एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो और एफ डैस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एफ डैस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फुल स्टॉप। आगे लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखो, दीज आर द पॉइंट्स एट विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट्स। दीज आर द पॉइंट्स एट विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट्स। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? कुणाल जी, दीज आर द पॉइंट्स एट विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट्स। दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। तो कोई बोले कि वो कौन सा पॉइंट है जहां मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तुम बोलना क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को ही हम पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं। यही वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, यानी कि कुल मिला के वो पॉइंट जहां पे या तो एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए या तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, उसी पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा। कहानी आगे बढ़ाऊं? चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा। दोनों एक ही चीज है बच्चों, कहीं सिर्फ मैक्सिमा वर्ड आए या फिर लोकल मैक्सिमा आए, दोनों सेम ही चीज, एक ही चीज है। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, दिखने में कुछ ऐसा है, ध्यान से बोर्ड पे देखो, देख लो पहले फिर लिखना, ऐसा फंक्शन है, ऐसा है। अब यहां पे देखो, अगर कहानी में क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट x इक्वल टू ए, यहां पे x का वैल्यू a है और यहां पे dy बाई dx जीरो है, मतलब टेंजेंट ऑब्वियसली पैरेलल आएगा x एक्सिस के, तो हम वही पॉइंट ढूंढ रहे हैं सबसे पहले, तो वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है। अब ये वाला पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है बच्चों, लेट अस सपोज दिस इज f(a), आपको करना क्या होता है, x इक्वल टू a के बहुत क्लोज में राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ, मान लो यहां पे आ गए
बहुत क्लोज मतलब मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा। ये सपोज a प्लस एच है और इसके लेफ्ट में एक वैल्यू है a माइनस एच, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक करना है आपको। यानी कि दिस इज सपोज f ऑफ a प्लस एच, और इस वाले पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू अगर देखो तो यहां कहीं मान लो आ रहा है f ऑफ a माइनस एच। और हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू था, x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू था वो अपने जस्ट राइट वाले पॉइंट पे जो वैल्यू था उससे भी बड़ा है, और जब अपने जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है उससे भी बड़ा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी कि अगर f ऑफ a का वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए f ऑफ a प्लस h, h अपना वही छोटा वाला h है, एंड साथ में f ऑफ a का वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए f ऑफ a माइनस h से, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम बोलेंगे f ऑफ a इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, या फिर लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑफ फंक्शन, फंक्शन। और कहां पे मिला ये, x का वैल्यू क्या है a, तो x इक्वल टू a इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी कि अगर x इक्वल टू a पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू a पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा अपने जस्ट क्लोज राइट वाले से भी बड़ा होगा, अपने जस्ट क्लोज लेफ्ट वाले से ही बड़ा होगा। बस इतना ही बात है, दोनों से बड़ा आना चाहिए, यानी कि अपने नेबरहुड में बड़ा आना चाहिए। समझ रहे हो बात मेरी? इससे कोई मतलब नहीं है कि x इक्वल टू a से 5 सेंटीमीटर दूर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा, इसलिए वर्ड आया है लोकल मैक्सिमा, मतलब अपने आसपास वाले एरिया में सबसे बड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक और देखो, मिनिमा या फिर लोकल मिनिमा, इसमें भी सेम कहानी बच्चों। मान लो फंक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये सपोज x इक्वल टू a और ये a प्लस h पे फंक्शन का वैल्यू और ये a माइनस h पे फंक्शन का वैल्यू, तो हम क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का वैल्यू है f ऑफ a वो अपने बिल्कुल क्लोज राइट वाले से भी छोटा है और अपने क्लोज लेफ्ट वाले से भी छोटा है, दोनों से छोटा है। तो अगर f ऑफ a का वैल्यू लेस देन f ऑफ a प्लस h आ जाए और साथ में f ऑफ a का वैल्यू लेस देन f ऑफ a माइनस, यानी कि अपने दोनों नेबरहुड से छोटा आसपास वालों से, तो हम बोलेंगे f ऑफ a इज मिनिमा और लोकल मिनिमा, दोनों एक ही बातें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लोकल मिनिमा। और x इक्वल टू a जो है दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और लोकल मिनिमा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, यानी कि अपने आसपास वाले इलाके में सबसे छोटा या सबसे बड़ा। नोट करें, देखो गुंडे भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल गुंडा, एक होता है ग्लोबल गुंडा। हर इलाके का एक गुंडा, हर गली का एक गुंडा होता है ना, जैसे गुवाहाटी में है जूरूड का एक गुंडा होगा, उजान बाजार में एक गुंडा होगा, तो ये सब लोकल गुंडा है, मतलब अपने गली में सबसे बड़ा है बट गुंडा है। और एक होता है ग्लोबल गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा जो पूरे आसाम का होगा, तो जो पूरे आसाम का गुंडा है वो उसका नाम ग्लोबल गुंडा है। वैसे ही यहां पे आएगा बच्चों, जो सबसे बड़ा है उसको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा। बट मैक्सिमा का मतलब अपने आसपास, यानी कि लोकल मैक्सिमा, मिनिमा का मतलब अपने आसपास लोकल मिनिमा।
बड़ा गुनगुना रहे होगा ना। लिख लिए। अब अरे हो गया। एक और केस है इसका, कोई ऐसा पॉइंट आ जाए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसमें क्या होगा? जैसे फंक्शन ना तो कनकेव अपवर्ड ना तो कनकेव डाउनवर्ड, और कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड भी है तो उसमें वो पॉइंट नहीं आ रहा है जहां डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, ऐसा वाला फंक्शन। ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाए खाली, या फिर खाली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए, इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, या फिर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका स्लोप खाली डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब दोनों नहीं हो रहा है। इसमें क्या था, कुछ देर देखो निगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, तो इसका स्लोप चेंज हो रहा था। इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, इसका स्लोप निगेटिव था जीरो हुआ पॉजिटिव हुआ, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, या फिर स्लोप जिसका हमेशा निगेटिव है, ऐसा फंक्शन आ जाए, ऐसे जाने वाला फंक्शन। तो इसमें क्या है, जैसे कोई बोले कि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, तुम बोलोगे बहुत सिंपल, एक पॉइंट ले लो ए प्लस एच और एक पॉइंट ले लो ए माइनस एच और दोनों पे फंक्शन का वैल्यू एनालाइज कर लो, खत्म कहानी। ये एफ ऑफ ए था, यहां पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच है और यहां पे देख रहे हैं हम एफ ऑफ ए माइनस एच है, तो ऐसा लगता है जैसे कि एफ ऑफ ए का वैल्यू अपने लेफ्ट वाले से तो बड़ा आया लेकिन राइट वाले से छोटा आ गया। उल्टा भी हो सकता है, अगर ऐसा सिचुएशन कहीं आ जाए, यानी कि अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा आ जाए और ये बड़ा आ जाए एफ ऑफ ए माइनस एच से, और ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू छोटा आ जाए एफ ऑफ ए माइनस एच से डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए और बड़ा आ जाए एफ ऑफ ए प्लस एच से, दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो एफ ऑफ ए जो है दैट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और सिमिलरली एक्स इक्वल टू ए है, दिस इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बात समझ में आई? लिखो, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए या तो अपने नेबरहुड के दोनों से बड़ा होना पड़ेगा या तो अपने नेबरहुड के दोनों से छोटा होना पड़ेगा, बीच में कुछ नहीं है, ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। तेरे लिए आज कितना तारीख है, 17 है क्या, 16, 17, 17 नहीं 18 है आज, 18। स्कूल क्या खुल रहा है क्या तुम लोग का? बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा अभी नहीं है, एक भूकंप आए सब कुछ खत्म हो जाए सब मर जाए तब अच्छा है। हाँ बाकी सब खुल गया यार, पढ़ाई वढ़ाई क्या है, पढ़ाई वढ़ाई इंसान करते रहेगा। अबे कोचिंग तो कभी नहीं खुलेगा लगता है, खुलना होगा तो स्कूल ही खुलेगा।
कोचिंग को गवर्नमेंट इतना वैल्यू नहीं देता है। मिटाऊं? अब अगली चीज है बच्चों, ग्लोबल मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। नाम ही बता रहा है ग्लोबल, सबसे बड़ा, एब्सोल्यूट, ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट। तो नेक्स्ट इज ग्लोबल, एक लाइन लिख लेना इसमें बस, और एब्सोल्यूट। मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोले तो पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा, ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा बोले तो पूरे फंक्शन में सबसे छोटा। लिखो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इन एंटायर डोमेन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इन द एंटायर डोमेन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इन द एंटायर डोमेन इज कॉल्ड ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, इज कॉल्ड ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। लाइन चेंज करके उल्टा लिख लेना, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज लोवेस्ट या फिर विच इज लिस्ट इन एंटायर डोमेन इज नोन एज ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमा, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इन द एंटायर डोमेन इज कॉल्ड ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज लिस्ट इन द एंटायर डोमेन इज कॉल्ड ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है। अच्छा, जो ग्लोबल गुंडा है क्या वो लोकल गुंडा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, पूरे गुवाहाटी का गुंडा है तो अपने गली का गुंडा तो रहा ही होगा वो। तो इसका मतलब है कि जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो लोकल मैक्सिमा भी होता है, जो ग्लोबल मिनिमा है वो लोकल मिनिमा भी होता है। लेकिन क्या हर लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगली बात आती है, क्या एक फंक्शन के पास एक से ज्यादा मैक्सिमा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। एक से ज्यादा मिनिमा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक फंक्शन देखो, ऐसा कुछ फंक्शन बना रहा हूं मैं, ये गया कुणाल जी माइक म्यूट कीजिए, पता नहीं सुने कि नहीं। चलो ध्यान दो, एक ग्राफ बनाया ऐसे मैंने, मन किया मेरा बनाने का, बना दिया। ये है तुम्हारा x इक्वल टू ए, नाम दे देता हूं पॉइंट्स का, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी, x इक्वल टू ई, x इक्वल टू एफ। हेलो कुणाल जी, दिखाई दे रहा है कुणाल जी? कर दो तो एक मैसेज जरा ग्रुप में। अरमान अरमान एक मैसेज कर दो तो, प्लीज हॉस्ट प्लीज म्यूट योर माइक, ऐसा लिख दो तो, डियर हॉस्ट प्लीज म्यूट योर माइक। चलो भाई, बाकी लोग बोर्ड पे देखो और मुझे बताओ कि लोकल मैक्सिमा कहां कहां पे है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, खाली पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताओ कहां कहां पे मिलेगा लोकल मैक्सिमा। क्या ए पे मैक्सिमा है? देखो, देखना एक ही चीज है, यहां पे जो फंक्शन का वैल्यू है अपने राइट वाले से बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट में है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल।
यहां पे मैक्सिमा है यानी कि ए पे। अगला कहां पे मिलेगा? सी पे। अगला कहां पे मिलेगा? ई पे। और कहीं पे नहीं। अगर बोले ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा कहां पे मिल रहा है बच्चों, किस पॉइंट पे? सबसे बड़ा सी पे। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मैसेज किया जी, लोकल मिनिमा कहां कहां पे है? मिनिमा मतलब अपने आसपास से छोटा, बी पे और डी पे और एफ पे। और अगर बोले पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा तो एक ही पॉइंट आएगा, कौन सा आएगा? डी पे। देखो सबसे छोटा है फंक्शन, सबसे नीचे यहीं पे गया है, एक्स इक्वल टू डी पे। अरे क्या लिख रहा हूं मैं। तो एक बात तो तय है, जो ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का भी पॉइंट है, जो ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का भी पॉइंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक फंक्शन के पास कितना भी मैक्सिमा हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। फंक्शन के पास कितना भी मिनिमा हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये फंक्शन का कितने गया? अच्छा, ये जो वैल्यू है ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू? ये फंक्शन का मैक्सिमा है या मिनिमा? मैक्सिमा। और ये फंक्शन का मिनिमा है या मैक्सिमा? मिनिमा। तो ध्यान से देखो तो फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा से बड़ा दिख रहा है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू उसी फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा आ जाए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा मिनिमा, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बात क्लियर है? तो डायग्राम बनाओ, कुछ पॉइंट्स में लिखा देता हूं। लगता है तुम्हारा मैसेज काम कर गया क्या जी? अच्छा, माइक ऑन ही है, मतलब आदमी लोग गायब हो गया वहां से, तुम्हारा मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी वैल्यू नहीं है क्या अरमान? ये जीना भी कोई जीना है तेरा? नोट डालो और लिखो। मैं ज्यादा पतला हो गया क्या आजकल? डाइटिंग मतलब खतरनाक वाला डाइटिंग किया हूं, 2.5-3 महीने हो गए, 3 महीने से चावल रोटी कुछ नहीं खाया हूं मैं, सिर्फ दाल और क्या बोलते हैं उसको, लाओ पानी लाओ और कॉर्नफ्लेक्स, बस 3 महीने से चावल खाने को तरस गया हूं, अब खाऊंगा इस महीने बाद। लेकिन चलो नोट डाल के लिखो। अबे स्टेमिना बढ़ गया है, लगातार 15 किलोमीटर दौड़ता हूं मैं नॉन स्टॉप अभी, पहले मोटा हो गया था मजाक में मैं। क्या लिखाने वाला था मैं, इसके ऊपर पॉइंट्स। हाँ लिखो, नोट डाल के लिखो। पहला पॉइंट, अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मोर देन वन मिनिमा। अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मोर देन वन मिनिमा। फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मोर देन वन मिनिमा। सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में लिखे आप कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मे बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मे बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन. थर्ड पॉइंट में लिखो, थर्ड पॉइंट में ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आर ऑल्सो लोकल मैक्सिमा मिनिमा. थर्ड पॉइंट में लिखें ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आर ऑल्सो लोकल मैक्सिमा मिनिमा. ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आर ऑल्सो लोकल मैक्सिमा मिनिमा. लिख लिया. चलिए एक दो सवाल करा देते हैं आपको. इस पे किस टाइप का सवाल बनता है सबसे पहले तो उसकी बात कर लें. सबसे पहले तो कुछ ग्राफिकल सवाल, ग्राफ देख के बताने वाले. गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले. देखो जी, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एंड वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो. तो आपको बताना है एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन हैज, फंक्शन के पास क्या है. ये x इक्वल टू जीरो फंक्शन का क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, ग्लोबल मैक्सिमा है, ग्लोबल मिनिमा है, या कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों. हम जानते हैं इसका ग्राफ बनाना, ध्यान से देखना. y इक्वल टू मॉड x सबको पता होता है, ये होता है y इक्वल टू मॉड x. लेकिन ध्यान रहे x जीरो नहीं है तब, यानी कि इसको एक्सक्लूड करना है. तो ओपन सर्कल, और जब x का वैल्यू जीरो है, ये x इक्वल टू जीरो है, उस पे y का वैल्यू वन है, फंक्शन का वैल्यू, तो वन इधर कहीं होगा, यानी कि यहां पे एक डार्क सर्कल. ये ग्राफ बनेगा इसका. अब बताओ x इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू नहीं है फंक्शन का, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का ये वैल्यू है. तो बताओ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन के पास मैक्सिमा है, मिनिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा क्या है. ग्राफ देख के बताओ. एट x इक्वल टू जीरो फंक्शन हैज, हाँ जी. अरे तुमको एक ही चीज देखना है, फंक्शन का वैल्यू देखो, ये रहा. क्या ये अपने जस्ट राइट वाले से बड़ा है, क्या अपने जस्ट लेफ्ट वाले से भी बड़ा है? तो बस मैक्सिमा है या फिर लोकल मैक्सिमा है, दोनों एक ही बातें हैं. अच्छा, क्या ये फंक्शन में सबसे बड़ा है? नहीं, और भी ग्राफ ऊपर जा रहा है. बिल्कुल, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट नहीं है. यही सवाल कुछ ऐसा होता, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो. जरा इसका ग्राफ देखें अगर, तो वापस से मॉड एक्स ये रहा, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे अभी भी ओपन सर्कल, और x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू माइनस वन है, यानी कि नीचे कहीं, यहां डार्क सर्कल. अब बताओ x इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन का वैल्यू है, क्या ये अपने राइट वाले से छोटा है? यस. क्या अपने लेफ्ट वाले से छोटा है? यस. क्या पूरे फंक्शन में सबसे छोटा है? यस. तो एट x इक्वल टू जीरो कोई पूछे फंक्शन के पास क्या क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन हैज मिनिमा, मिनिमा या फिर लोकल मिनिमा, एक ही बात, ऑल्सो ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा. बात समझ में आ रही है? नोट करो.
हेडफोन लगा लगा कान दुख गया। एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ग्राफ बनाओ इसका। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, माइनस थ्री व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, एंड टू साइन एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आपको बताना है एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन के पास क्या है। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ, फिर पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेन एक्स लेस देन जीरो, माइनस थ्री वेन एक्स इक्वल टू जीरो, एंड टू साइन एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। यू हैव टू फाइंड एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन हैज मैक्सिमा मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अरे ग्राफ बनाओ, सब कुछ आता है तुमको, सारा ग्राफ आता है। एक्स लेस देन जीरो इधर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, लेकिन जीरो इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन सर्कल। एक्स इक्वल टू जीरो पे माइनस थ्री, एक ही पॉइंट, यानी कि यहाँ पे इधर कहीं दिस इज माइनस थ्री, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए टू साइन एक्स। साइन एक्स बच्चों माइनस वन से वन होता है, तो टू साइन एक्स माइनस टू से टू होगा, सही बात। तो ग्राफ तो वैसा ही होगा, ये वैल्यू माइनस टू हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस टू हो जाएगा। ये ग्राफ है पूरे फंक्शन का, इसका ग्राफ। अब बताओ एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू सबसे पहले ढूंढो। फंक्शन फंक्शन यहां पे है, ये वैल्यू क्या लोकल मिनिमा है? यस। क्या ग्लोबल मिनिमा भी है? इसके नीचे कोई ग्राफ कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन हैज लोकल एंड ग्लोबल मिनिमा। मिटाऊं? एक दूसरी वैरायटी, फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू सपोज कॉस ऑफ पाई एक्स बाई थ्री व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स प्लस ए व्हेन एक्स लेस इक्वल जीरो। लिखो फाइंड ए, ए इफ एक्स इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए जो दिखाई दे रहा है। If x equal to 0 is a point of maxima, find A if x equal to 0 is a point of maxima. Find A if x equal to 0 is a point of maxima. लिख लिया? अब देखो बच्चे करते क्या है ऐसे सवाल में, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तुमको पता लग गया कि x equal to 0 is point of maxima, और अगर यहां पे फंक्शन का मैक्सिमा है तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ जीरो प्लस से भी,
और साथ में एफ ऑफ जीरो का वैल्यू बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ जीरो माइनस से भी, यही तो पढ़ाया अपने राइट वाले से भी बड़ा और अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा। जीरो प्लस का मतलब जीरो के जस्ट राइट में, जीरो माइनस का मतलब जीरो के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है। यहां से देखो एफ ऑफ जीरो मिलेगा, यहां से इक्वलिटी साइन है, और इधर देखो तो एफ ऑफ जीरो प्लस मिल जाएगा। बस ये वाला कंडीशन ले लो, कोई एक लेने से हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो ये वाला लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस दोनों बराबर आएगा, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। यहां से एफ ऑफ जीरो लेंगे और यहां से एफ ऑफ जीरो प्लस लेंगे। एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू यहां से एक्स के जगह जीरो रख दूं तो जीरो प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो प्लस, यहां से एक्स के जगह जीरो रख दूं तो क्रॉस पाई इंटू इनडिटर्मिनेट तो बन नहीं रहा है, तो ये हो गया बच्चों ए ग्रेटर देन ये कॉस जीरो वन, ए ग्रेटर देन वन इज द आंसर, यानी कि ए का वैल्यू वन से बड़ा होना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। तो ऐसे दो तीन सवाल आप देख लो, कर लो खुद से, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ऐसा और सवाल मुझे मिले तो मैं करा दूँ। नोट करो इसको, एफ एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री, जीरो लेस इक्वल एक्स लेस देन थ्री एंड एक्स माइनस एटीन व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल थ्री। सवाल फिर से वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स इक्वल टू थ्री इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। Find the value of A if x equal to 3 is a point of minima. Find the value of A if x equal to 3 is a point of minima. Find value of A if x equal to 3 is a point of minima. ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो यहां पे वैल्यू छोटा होना चाहिए बच्चे, सबसे राइट वाले से भी और लेफ्ट वाले से भी। एफ ऑफ थ्री का वैल्यू राइट वाले से भी छोटा, लेफ्ट वाले से भी छोटा। बताओ एफ ऑफ थ्री तो यहां से मिल जाएगा, यहां से लेफ्ट वाला मिलेगा राइट वाला मिलेगा, लेफ्ट वाला तो लगा दो एफ ऑफ थ्री लेस देन एफ ऑफ थ्री माइनस, बस बाकी काम वही पुराना है। एफ ऑफ थ्री यहां से थ्री माइनस एटीन लेस देन एफ ऑफ थ्री माइनस, यहां से इनडिटर्मिनेट नहीं बनेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, x की जगह 3 रखो, 4 इंटू थ्री माइनस थ्री क्यू प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री, बाकी तो इसको सॉल्व करने का। ये हो गया माइनस फिफ्टीन लेस देन, ये हो गया 12 माइनस ट्वेंटी सेवन, 12 माइनस ट्वेंटी सेवन 15 ही होता है शायद, माइनस 15 प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री, ये इधर आके जीरो हो जाएगा बच्चों प्लस होने के बाद, तो आपके पास बचेगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री, आर एच एस में है तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। लॉग का बेस कुछ नहीं है तो ई है, तो ये बन जाएगा लॉग हटने के बाद ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री ग्रेटर देन ई टू द पावर जीरो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री ग्रेटर देन वन। LHS ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए थ्री माइनस वन टू ग्रेटर देन जीरो। अब कहानी पहुंच गया बेबी गर्ल मेथड के पास, वो तुम्हारा पीछा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने वाला है। a माइनस टू इंटू ए माइनस वन फैक्टर हो गया इसका, माइनस टू ए माइनस यहाँ सही है, ग्रेटर देन जीरो। और बेबी गर्ल मेथड से बच्चों यहाँ वन है यहाँ टू है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो अपने को चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो वन से छोटा टू से बड़ा,
तो ए का वैल्यू लेस देन वन और ए इज ग्रेटर देन टू, दिस इज आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना, वे भी कर्व में दिक्कत है तो मत पूछना, उसके लिए तुम वापस जाके पुराना चीज रिवाइज करना। बोलो किसी को कोई दिक्कत? इस पे एक सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं, घर से करें। माइनस एक्स क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी स्क्वायर, बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस थ्री बी प्लस टू व्हेन जीरो लेस इक्वल एक्स लेस देन वन एंड टू एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल वन। वन से थ्री ले लो इसको, ज्यादा दूर मत जाओ फंक्शन बिगड़ जाएगा। वन लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल थ्री। हाँ जी, आपको निकालना किसका वैल्यू है? बी का। फाइंड बी इफ एक्स इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या तुमसे बन जाएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों, मिला लेना जिनका आंसर आए, ए लेस देन माइनस टू और ए ग्रेटर देन वन, ऐसा कुछ आएगा। नहीं 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 माइनस टू से माइनस वन, ए बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन यूनियन। अब किधर गया, किधर गया? माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये आएगा इसका आंसर। एक और ले लो, एक ले ही लिया तो एक और ले लो। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस नाइन माइनस नाइन व्हेन एक्स लेस देन टू एंड टू एक्स माइनस थ्री, गड़बड़ तो नहीं लिखा है ना मैंने? ना, टू एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू। फाइंड ए इफ एक्स इक्वल टू टू इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फाइंड ए इफ एक्स इक्वल टू टू इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका आंसर आएगा ए लेस देन माइनस वन और ए ग्रेटर देन टेन। मिला लेना दोनों सॉल्व करके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो तो पूछना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसको।